नमस्कार, आप देख रहे हैं आज प्रकाश टीवी। मैं अलीशा जुनेजा आपके लिए लाई हूं पांच राज्यों की बड़ी खबरें। पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में इस बार छात्रों की भागीदारी कम, छात्रों की उपस्थिति 40% के चलते प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एम्बुलेंस को 23 किलोमीटर की दूरी महज 18 मिनट में पार कराई। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत को बड़ा झटका, जमानत देने से किया इनकार। सीएम मनोहर लाल का बयान, बीबीसी इंडस्ट्री को कर दिया बंद। पंजाब के बटाला में 23 लोगों की मौत पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया और हादसे को दिल दहला देने वाला पाके बताया। श्रद्धालु जब चाहे तब करतारपुर साहिब के दर्शन कर सकेंगे। शिमला जा रही सरका घाट डिपो की बस और टिप्पर की टक्कर में 4 लोग घायल। भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो कांगड़ा केंद्रीय बैंक समिति के कई अधिकारी हैं। कोठी में चोरी के आरोप में असम की महिला को थाने में 9 घंटे तक प्रताड़ित करने की वजह से वह चलने फिरने से हालात में नहीं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश कर सरगना समेत 2 को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे में तकरीबन 25 किलो हीरोइन बरामद। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर लौटेंगे पांच राज्यों की बड़ी खबरों के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।